अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज़ में खुशामदीद। सवाल नंबर एक, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा किसने देखा था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर दो, वो कौन सी किताब है जिसका कलम नूर से बना हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए लोहे महफूज, बी कुरान मजीद, सी तौरात, डी जबूर। सही जवाब है ए लोहे महफूज। सवाल नंबर तीन, वो कौन से नबी हैं जिनको दरियाए नील में दफन किया गया ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छूकर गुजरे? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सही जवाब है सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर चार, जो औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से सो ना सके उसका क्या अजर है? आपके ऑप्शन हैं ए 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, बी 20 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, सी 40 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, डी 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब। सही जवाब है डी 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब। सवाल नंबर छः, बताइए शद्दाद के ज़माने में कौन से नबी मबूस थे? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर सात, बुजुर्ग तरीन फरिश्ते कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर आठ, वो कौन से सहाबी थे जो जिन्नात की दावत पर मुसलमान हुए? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, डी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सही जवाब है ए हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर नौ, खाना काबा के पहले मुतवल्ली कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर दस,
जिन्नात किन लड़कियों से बदफेली करते हैं और इसकी निशानी क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए काफिर लड़कियों से, बी बद किरदार से, सी बेपर्दा और खुशबू लगाने वाली से, सी झूठ बोलने वाली से। सही जवाब है सी बेपर्दा और खुशबू लगाने वाली से। बेपर्दा, खुशबू लगाने वाली, आवारा घूमने वाली और नापाक रहने वाली औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और ये बुरे जिन्नात होते हैं, फिर वो जो चाहें उस लड़की के साथ करते हैं। इसीलिए लड़कियों को चाहिए कि हमेशा बापर्दा रहें, खुशबू लगाने से परहेज करें, आवारा बाहर ना घूमें और अपने आप को पाक रखें। सवाल नंबर 11, रोड पर चलते भिखारी को पैसे देने से कौन सा अजाब आता है? सही जवाब है रोड पर चलने वाले अक्सर भिखारी नशा करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों को भीख देना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिस शख्स ने शराबी को एक लुकमा भी खिलाया, अल्लाह उसकी कब्र में सांप का अजाब भेजेगा और उसकी दुनिया में कोई भी हाजत पूरी ना होगी। लिहाजा भीख उन लोगों को देनी चाहिए जो हकीकी मुस्तहिक हों। सवाल नंबर 12, सरजमीन अरब में सबसे पहले कौन से नबी तशरीफ लाए? आपकी ऑप्शन है ए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 13, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा ये सफ़ेद बाल क्या है? अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया? सही जवाब है परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये वकार है, यानी ये उस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म और दानिश में इजाफा का बाइस और इज्जत और वकार का जरिया है और इसकी वजह से लहू और लाभ की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तकाब से बाज रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वकार में इजाफा फरमा। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये तमाम सवालात मुस्तनद इस्लामी कुतुब से लिए गए हैं, अगर आपको हवाला दरकार हो तो आप तलब कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा।